वो पूजा को ये बोलते हैं कि वो मैजिशियन के पास उनको लेकर जाएंगे, तो पूजा इज़ हैप्पी, उसको लग रहा है कि यू नो मैजिक शो देखने जा रही है, पर एक्चुअली वो उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, वैद्य के पास लेकर जा रहे हैं, जहाँ पे वो पूजा को ठीक करवाना चाहते हैं। ओके सो मतलब हमें तो पता है कि पूजा पागल वागल नहीं हुई, तब दुनिया को भी जल्दी ही पता चलने वाला है। देयर इज़ अ वेरी यू नो इंटेंस डीप रीज़न बिहाइंड इट, कि जो पूजा ने किया उसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न है, तो उसको जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा सीरियल। अच्छा, ये सिंदूर की भी कोई एक सीक्वेंस चल रही थी, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी, बेसिकली पूजा ने ऑल द टाइम सिंदूर लगा के रखा था, जब वो 8 साल की बच्ची थी तभी भी वो सिंदूर लगाकर ही रखती थी, तो वही सेम कनेक्शन जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि शी इज़ स्टिल पुटिंग द सिंदूर, दैट मीन्स शी इज़ इन ऑल शी इज़ इन हर यू नो रियल या रियल सेल्फ। सो हाँ, ओके, एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू फॉरवर्ड मैसेज टू होम? टू द व्यूअर्स, टू योर फैंस, एवरीवन। ओके सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, कीप लविंग अस लाइक यू हैव बीन डूइंग, वी लव यू टू, दैट इज़ व्हाई वी कीप यू एंटरटेनिंग, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। भाभी की सिचुएशन को समझिए, पूजा पहले से बीमार है और नैन भी इस तरह बिना बताए घर से चला गया, तो एक माँ को तो चिंता होगी ही ना। यह बात चिंता की नहीं है, सूर्य के मन में इस वक्त क्या चल रहा है मुझे अच्छी तरह पता है, मुझे उससे बात करनी होगी। कटोके okay.